मुख्यमंत्री कमलनाथ नमस्कार आप देख रहे हैं एमपी न्यूज आपके साथ मैं एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है तो इतने दिनों से जो चर्चाएं चल चर रही थी कि कमलनाथ अब विधानसभा का चुनाव किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे तो ये सारी तस्वीरें अब साफ हो गई है जी हाँ

किस सीट किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वो अब वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ़ हो गई है और ये ये तस्वीरें साफ़ हुई है कि छिंदवाड़ा के विधायक जो दीपक सक्सेना उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो इसका इस्तीफा है बुधवार को दे देंगे यानी कि साफ़ तौर पर अब ये ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वो तो कहीं ना कहीं ये जो संशय बरकरार था कि वो सोनसर सीट से लड़ सकते हैं तो अब वो उससे संशय हट गया है और छिंदवाड़ा की सीट से उनकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि वो छिंदवाड़ा से प्रत्याशी होंगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे छिंदवाड़ा सीट से और ये सीट की जो है इसका फैसला छोड़ने का उन वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं दीपक सक्सेना उन्होंने इस सीट का सीट छोड़ने का फैसला ले लिया और उन्होंने इस बात की पुष्टि विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू हुआ तो उस दौरान वो सदन में जब आए तब उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान इस बात की पुष्टि की है जी बिल्कुल तो अपने नेता के लिए इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस विधायक दीपक सक्सेना और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा और यहां से कमलनाथ अब चुनाव लड़ेंगे और देखने वाली बात होगी कि ये किस तरह का चुनाव होता है कैसे इस चुनाव को कमलनाथ जीतते हैं लेकिन संदीप इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि आखिर कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को ही क्यों चुना क्योंकि कुछ दिनों पहले चर्चाएं हो रही थी कि सोनसर विधानसभा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे और जैसा कि उन्होंने शायद कहा भी था तो अब कारण है जो वो छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी देखिए छिंदवाड़ा जो है वो मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है और विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ सातों सीटों में से सातों ही कांग्रेस ने अपने खेमे में जीती है यानी कि यहाँ पर कमलनाथ का फैक्टर अभी भी पूरी तरीके से बरकरार है और शायद किसी भी तरीके की चुनौती नहीं लेना चाहते कमलनाथ और किसी भी तरह का कोई जो है सस्पेंस नहीं रखना चाहता इसी को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ने छिंदवाड़ा सीट को चुना है हालाँकि मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जब अपने एक दिन के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे थे अभी तो उस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया था जब संबोधित करते हुए कि अगर सोनसर से वो चुनाव लड़ेंगे तो सोनसर भी उनकी प्राथमिकता में चुनाव लड़ने के लिए होगा तो इस बात, इस बात उनके इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था और यह माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा की सोनसर सीट से चुनाव लड़ेंगे लेकिन एक बात और है कि छिंदवाड़ा में सात में से आ, सात में से चार सीटें एस टी एस सी एक आरक्षित वर्ग से आती है और मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं सामान्य वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं तो ऐसे में कही न कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा सीट उनको बड़ा एक विकल्प लगी और यहीं से उन्होंने फैसला किया है कि वो छिंदवाड़ा की विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए उन्हें विधायक का चुनाव लड़ना ज़रूरी है तो ऐसे में अब ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे जी बिल्कुल तो सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं लेकिन एक सवाल और यहाँ पर आ रहा है कि अब जब कमलनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अब जो सांसद सीट है उनकी वो अब खाली हो जाएगी तो इस सीट पर किस तरह की भर्ती होगी क्या उनके बेटे नकुलनाथ सांसद सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे जी निश्चित तौर पर नम्रता जी पिछले कई दिनों से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी गई है और कई उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए हैं क्योंकि जिस तरीके से छिंदवाड़ा का दौरा हुआ था मुख्यमंत्री कमलनाथ का उस दौरान नकुलनाथ की सक्रियता ने यह संकेत दिए थे कि अब जो है वो लोकसभा चुनाव चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उसके बाद से ही लगातार नकुलनाथ जो है छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक ले रहे हैं जनसभाओं में जा रहे हैं क्षेत्र में सक्रियता दिखा रहे हैं जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं तो ऐसे में अब ये माना जा सकता है और ये हम कह भी सकते हैं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ खड़े होंगे और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो संसदीय सीट वहाँ से खाली हो जाएगी छिंदवाड़ा से तो ऐसे में किसी और चेहरे पर भरोसा ना करते हुए यहाँ पर नकुलनाथ जो है उनकी संसदीय सीट को संभालेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो है संसदीय क्षेत्र की कमान संभालेंगे यानी कि छिंदवाड़ा की कमान अब नकुलनाथ के हाथ में होगी मैं बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा जो है पिछले अगर बात की जाए लंबे समय से यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का राज रहा और एक तरफा उन्होंने यहां पर चाहे मोदी लहर की बात क्यों ना हो यहीं छिंदवाड़ा में कमलनाथ का करिश्मा बरकरार रखा तो इसी को ध्यान में रखते किसी और चेहरे को मौका ना देते हो यहाँ पर नकुलनाथ को मौका दिया जाएगा और उन्हें मैदान में उतारा जाएगा क्योंकि इसका फायदा कांग्रेस को कमलनाथ की लोकप्रियता का कांग्रेस को फायदा मिलेगा और ये जो छिंदवाड़ा की सीट है कही न कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में ही रहेगी लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए नकुलनाथ को वो पूरे सियासी मायने भी सिखाए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और पूरी जो वो अपने पिता के नक्शे कदम पर भी चलते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि पर्दे के पीछे से भी कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा के कमान भी संभालेंगे तो एक तौर से मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो विधायक होंगे और दूसरी तरफ सांसद उनके बेटे होंगे तो कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा में विधायक और सांसद दोनों ही कमलनाथ के खेमे में होंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा यहां पर एक सियासी सियासत देखने को मिलेगी चूंकि विधानसभा चुनाव छिंदवाड़ा से होगा तो कमलनाथ के सामने कौन बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा और किस तरीके से यहां पर मुकाबला देख क्योंकि यहां पर आ, मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार अल्पमत से बनी है तो ऐसे में दो महीने के दौरान कई उलटफेर देखने को मिले हालांकि इसकी संभावना कम है कि छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव पर जब सीट होगा तो बीजेपी टक्कर दे पाएगी लेकिन यहाँ पर भाजपा की कोशिश भी पूरी होगी कि वो सीएम कमलनाथ के सामने बड़ी चुनौती पेश करें ऐसे में लिहाजा कमलनाथ के सामने कोई बड़ा चेहरा खड़ा करने की भी कोशिश की जा सकती है तो मैं बताना चाहूंगा कि अब जो है पूरी स्क्रिप्ट साफ हो गई है पूरी तस्वीर साफ हो गई है कि छिंदवाड़ा से किस सीट से ही कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे और अब संसदीय सीट से उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ सकते हैं लीजिए तो सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं छिंदवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ और जब उनका पद ये खाली हो जाएगा सांसद का पद तो उनके बेटे नकुलनाथ वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और देखने वाली बात होगी कि नकुलनाथ अपने पिता का छिंदवाड़ा की सियासत रूपी विरासत को किस तरह से संभाल पाते हैं ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ देखते हैं एमबी न्यूज नमस्कार